रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जोरों पर है। बता दें कि यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। पार्टी के अग्रिम संगठनों ने प्रदेश भर से सरकार के खिलाफ धरना देकर विरोध जाहिर किया है, तो वहीं राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्कल पर महिला मोर्चा भी धरने पर बैठा रहा। धरने में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये है। लगातार राजस्थान का युवा, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, इसमें होने वाली धांधलियों को इंगित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है, सड़क पे हमने आंदोलन शुरू किया है, सदन में लोकसभा भी एक सदन है, वहां भी इस विषय को उठाने की बात होगी, और राजस्थान में भी विधानसभा का सत्र 9 तारीख से चालू हो रहा है। 8 तारीख को सभी विधायक हमारे धरना देंगे, 9 से विधानसभा के सत्र में भी इस विषय को लेकर के उनके मंत्री जो राजीव गांधी फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं सुभाष गर्ग, उनका इस्तीफा, इन सब विषयों को और रीट की पूरी परीक्षा की जांच सीबीआई को देने की मांग को लेकर के सदन में भी घेरेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। पूर्ण रूप से सत्यता इसमें क्या है वो सबके सामने आ चुकी है। ये जांच सरकार नहीं कर सकती, सीबीआई को ये जांच सौंपनी चाहिए। और रही बात ये कि देश के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, सालों से पढ़ाई की मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। किसी भी तरीके का हो, चारों तरफ धांधली फैल चुकी है पूरे राजस्थान।